हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है वंस अपॉन अ क्राइम। ये एक बंगाली वेब सीरीज है, इसी साल यानी कि 2020 में रिलीज हुई थी, लेकिन किसी वजह से मैं इस सीरीज को नहीं देख पाया था। लेकिन फाइनली अब हिंदी में आने की वजह से मैंने इस सीरीज को देख लिया। ये सीरीज आपको कहां देखने मिलेगी वो आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब बात करते हैं इस सीरीज की, तो इस सीरीज में हमें नजर आते हैं रजत कपूर, सुब्रत दत्ता, पायल सरकार, मुमताज सरकार और इसे डायरेक्ट किया सौरभ चक्रवर्ती ने। इस सीरीज को IMDb ने 7.8 की रेटिंग दी है और इस सीरीज में आपको तकरीबन 7 एपिसोड देखने मिलते हैं। हर एपिसोड 19 मिनट से लेकर 28 मिनट के बीच में। खैर, इस सीरीज की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती रजत कपूर से, जिसका इस सीरीज में नाम है शौकत, जो कि एक राइटर है। वो अमेरिका में अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कोलकाता है। कलकत्ता आने के बाद उनकी लाइफ किस तरह से बदलती है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। बात करते हैं इस सीरीज आपको क्यों देखना चाहिए। देखिए, इस तरह की कहानी पे आपने पहले भी सीरीज देख चुकी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया वो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा इस सीरीज में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो है लास्ट के 3 एपिसोड में। ऑल्दो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देख के आपको ऐसा लगेगा आप आने वाली चीज को प्रेडिक्ट कर लोगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रजत कपूर ने शौकत का रोल को इतना अच्छी तरह से निभाया कि आप उनके वजह से इस सीरीज को देखते हो। उसके अलावा इस सीरीज का जो BGM है वो नेक्स्ट लेवल का है। आपने हाल फिलहाल में एक सीरीज है थी असुर, असुर सीरीज में जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक था बिल्कुल उसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको यहाँ पर भी सुनने मिलता है, और उसी वजह से जो गूज़बम्प्स है वो आपको आते हैं। और कुछ ऐसे डरावने सीन्स हैं जो यहाँ पर मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके अलावा सीरीज का जो लोकेशन वो बहुत अच्छा लगा मुझे, और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरीके की प्रिडिक्टेबल कहानी को डायरेक्टर ने इतनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पेश किया कि आप पूरे एपिसोड को देखते हो। एपिसोड देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपका टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और जिस तरीके से हर एक एपिसोड को होना चाहिए, मतलब कोई भी एपिसोड में आपको कोई भी सीन ज्यादा खींचते हुए नजर नहीं आता, हर एक सीन का अपना एक मतलब है और कोई भी चीज यहाँ पर आपको बेमतलब की बताई नहीं गई। और इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ पर सब प्लॉट दिखा गया, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। सिर्फ एक आपको सब प्लॉट देखने मिलता है, वो है सौगता की बेटी का। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा सब प्लॉट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से पर्सनली सीरीज आपको देखना चाहिए, आपको डेफिनेटली सीरीज पसंद आएगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ, जैसे कि मैंने कहा रजत कपूर ने बहुत अच्छा काम कर दिखाया, उसके अलावा सुब्रत दत्ता का काम भी मुझे बहुत अच्छा लगा, पायल सरकार का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ मुमताज सरकार का परफॉर्मेंस यहाँ पर ओके। ये सीरीज आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो। इसमें एडल्ट सीन्स की बात करो तो हाँ, इक्का दुक्का है, लेकिन वो भी कुछ इतने बड़े ज्यादा सीन है नहीं जो आप अपनी फैमिली साथ नहीं देख सकते हो। वो आप अगर थोड़ा सा भगा दोगे तो चल जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना, अगर आपको ये सीरीज देखना है तो आप इसे देख सकते हो। ये आपको MX प्लेयर पे मिल जाएगी, हिंदी डब में अवेलेबल है। उसके अलावा आपको बंगाली में देखना है तो आप इसे हॉटस्टार पे जाके देख सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखना।